हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये टॉपिक है सीबीएसई से रिलेटेड। देखिए, बहुत सिंपल है कि इसमें मैंने बताने की कोशिश की है कि क्लास 12th जो सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो चुके हैं। और अब जो है सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो 12th के मार्क्स हैं वो किस बिहाफ पर दिए जाएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने एक हेडिंग भी डाल रखी है, 12th क्लास के मार्क्स कैसे दिए जाएंगे। तो बहुत सिंपल है, सीबीएसई का जो कहना है वो ये है कि जो मार्क्स दिए जाएंगे वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के थ्रू दिए जाएंगे। अब कहने का क्या मतलब है? जैसे ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया का मतलब यहाँ पर ये है कि हो सकता है आपके प्रीवियस रिकॉर्ड देखा जाए। कहने का क्या मतलब है? जैसे आपके प्री बोर्ड देखे जा सकते हैं, ठीक है, या फिर आपके जो पिछले मॉक टेस्ट हुए हैं वो देखे जा सकते हैं, या फिर आपके जो प्रैक्टिकल हुए हैं वो देखे जा सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि जितने भी ओरल एक्टिविटीज़ हुई हैं या फिर ग्रुप डिस्कशन हुआ है वो देखे जा सकते हैं, या फिर इवन 9th एंड 10th एंड 11th की परफॉर्मेंस के हिसाब से भी सीबीएसई जो है मार्क्स दे सकता है, ठीक है। तो आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है, यानी जो मैंने वीडियो का जो पर्पस है वो समझ में आया होगा कि मैंने क्या बताने की कोशिश की है। तो बहुत सिंपल है कि जो 12th क्लास के जो मार्क्स हैं वो कैसे दिए जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल, यानी ऑब्जेक्टिव क्रिटेरिया के थ्रू, हो सकता है प्री बोर्ड के थ्रू, या मॉक टेस्ट जो लिए गए हैं उसके थ्रू, या फिर जो प्रैक्टिकल्स हैं, या फिर ओरल डिस्कशन है, या ग्रुप डिस्कशन है, इवन जो आपका 9th 10th एंड 11th क्लास का जो परफॉर्मेंस है उसके बिहाफ पर। और सीबीएसई का ये भी कहना है कि अगर मार्क्स देने के बाद अगर कोई स्टूडेंट अगर मान लीजिए सेटिस्फाई नहीं है, यानी अनहैप्पी है अपने रिजल्ट से, तो सीबीएसई का कहना है कि उसका एग्ज़ाम भी लिया जा सकता है, यानी वो एग्ज़ाम दे सकता है, ठीक है। तो ये है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आई होगी। तो ऐसी जानकारी के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।